वाली है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट भी आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी सरकार के रवैये से नाखुश, बंगाल के गवर्नर देर रात पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शीर्ष अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान। सोशल मीडिया से पीड़ित डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत जापान के बीच आज 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता। दोनों देशों में के रक्षा और विदेश मंत्री होंगे वार्ता में शामिल। रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने और भारत प्रशांत में स्थिति की समीक्षा पर होगा फोकस। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण की 24 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। 27 अगस्त तक नामांकन कर सकते हैं दाखिल। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली कुछ राहत। और खेल की खबरों में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब। फाइनल में फ्रांसिस टियाफो को दी शिकस्त।